हेलो गाइस, वेलकम टू पाक नेपाल रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट कलीम और मेरे साथ हैं राशिद। राशिद भी क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक। राशिद भी ठीक ठाक है। गाइस, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसका टाइटल है नेपाल फोर बिग प्रोजेक्ट सेक्टर्स। तो ये वीडियो का टाइटल है और ये वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी होगी। देखते हैं कि कौन से बड़े चार प्रोजेक्ट सेक्टर्स हैं नेपाल के, क्या काम हो रहा है, कैसे हैं, क्या नहीं है। तो राशिद भी रेडी हैं आप? चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। A few moments later. Okay, the guys, video on start karne lage hain. So let's go. And lighters. Namaskar. And news par aap sabhi ka swagat hai. Aur kuch badi aur khushi khabrein Nepal ke liye nikal ke aayi hain. To khabrein hain space jagat se. Space mein Nepal ki race par. साथ ही साथ खबर है पावर सेक्टर में नेपाल के कमाल के प्रदर्शन की, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में है, जिसमें हम बात करेंगे हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी की। साथ ही साथ नेपाल और भारत के बीच में अब पावर बेचना, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। साथ ही हम बात करेंगे नेपाल के बहुत बड़े वाटर प्रोजेक्ट की भी। तो चलिए बढ़ते हैं रिपोर्ट्स पर विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के स्पेस जगत से और नेपाल में स्पेस की तरक्की से। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था कि नेपाल अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है, जिसके लिए कई ऑफिशियल चीजों का अनाउंसमेंट हुआ था, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक आई बटन में है, अगर आपने नहीं देखा था तो उसको देख ले। तो इसी क्रम में नेपाल ने 5 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है, जो कि नेपाल की सैटेलाइट को ले जाने की पूरी व्यवस्था करेंगी। आपको बता दें कि इसके लिए करीबन 9 कंपनी ने अपना प्रपोजल दिया था, जिसमें से नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी NTA ने सेलेक्ट किया है 5 कंपनीज को। NTA के स्पोक्सपर्सन मीना प्रसाद आर्या ने इस बात को बताया, जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि प्रोसेस ऑनगोइंग है, यानी कि इस पर काम हो रहा है, प्रोसेस ठप नहीं हुआ है। आर्या ने बताया कौन कौन सी कंपनी सेलेक्ट हुई है। उसमें है यूरो कंसल्टेंट, जो की फ्रांस की कंपनी है, S3TEL जो की दुबई की कंपनी है, स्पेस पार्टनरशिप इंटरनेशनल ऑफ अमेरिका जो की अमेरिकन है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स लिमिटेड जो कि यूके बेस है, और KPMG एश्योरेंस एंड कंसल्टेंट सर्विसेज जो कि इंडियन कंपनी है। यानी कि इन 5 कंपनीज को सेलेक्ट किया गया है। इसमें से चीन की कंपनी को रिजेक्ट कर दिया गया और कई और देशों की कंपनीज को रिजेक्ट कर दिया गया। अब आपको बता दें NTA इसे जल्द से जल्द करना चाहता है, इसीलिए December 20, 2020 तक एप्लीकेशन और डेडलाइन को सेट किया है लेटर सबमिट करने की। साथ ही साथ एक डेडलाइन भी दी है 11th January 2021 तक, जिसमें से NTA 5 में से एक कंपनी को सेलेक्ट करेगा। इसके सेलेक्ट करने के प्रोसेस में उसकी क्वालिफिकेशन को 40% देखा जाएगा, उसकी एक्सपीरियंस को 50% देखा जाएगा और उसकी कैपेबिलिटीज को 10% देखा जाएगा। क्योंकि नेपाल की गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि इस ऑपरेशन को, जो कि उनकी खुद की सेटेलाइट का है, वो 2022 तक पूरा करना है। तो इसके लिए इस प्रोसेस को काफी जल्दी किया जा रहा है। अगर नेपाल अपनी सेटेलाइट लॉन्च करता है तो उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंज आएगा इस साउथ एशियन रीजन में, और ये नेपाल के डेवलपमेंट के लिए काफी बेहतर रहेगा। तो आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही पढ़ते हैं दूसरी रिपोर्ट की ओर। दूसरी रिपोर्ट है नेपाल के पावर सेक्टर को लेकर, क्योंकि नेपाल का पावर सेक्टर काफी ज्यादा बूम कर रहा है, और साथ ही साथ पावर सेक्टर में नेपाल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर कर रहा है, जो कि वातावरण के लिए भी काफी अच्छे हैं, क्योंकि नेपाल के पास हाइड्रो पावर का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है और नेपाल हाइड्रो पावर में तो बहुत काम कर रहा है, लेकिन इन हाइड्रो पावर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके चलते नेपाल को सोलर पावर भी चाहिए। और इसी क्रम में नेपाल की एक प्राइवेट कंपनी ने करीबन 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट साउथ ईस्ट रीजन धलकेबर मोहत्री में लगाया है, जो कि प्रोविंस 2 में है। और आपको बता दें कि नेपाल के प्रोविंस 2 में कोई भी हाइड्रो पावर पोटेंशियल नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट नहीं है और ना ही बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो लोकेशन नहीं है। तो जिसके चलते यहाँ पर सूरज की रोशनी से बिजली बनाई जा सकती है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोलर फील्ड के लिए जगह है, जिसके चलते ही नेपाल की इस कंपनी ने वहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगाया है 10 मेगावाट का, जो कि एक अच्छी खबर है। अब जो ये धलकेबर प्लांट है वो स्प्रेड है करीबन 40 बीघे, यानी कि 6.3 हेक्टेयर ऑफ लैंड में, जिसे इको पावर डेवलपमेंट कंपनी ने बनाया है। इसकी डिजाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन सब इको पावर डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसके डेवलपर कहते हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है एक रिकॉर्ड ड्यूरेशन में, जो कि है 7 मंथ, यानी 7 महीने में, वो भी COVID-19 में, क्योंकि 7 महीने में ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना कतई बहुत जल्दी ही माना जाएगा। और इस पावर प्लांट को नेशनल ग्रिड से जोड़ा गया है फरवरी 18 को, यानी कि बहुत जल्द ही अभी जोड़ा गया है इसे।
और आपको बता दूं कि नेपाल के पास इतनी ज्यादा बिजली हो चुकी है कि अब नेपाल को बिजली बेचनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं नेपाल इस बिजली को बेच कर मुनाफा कमाएगा इंडिया को और बांग्लादेश और कई और देशों को। आपको बता दें जो प्राइवेट कंपनी है जिसने सोलर प्लांट को लगाया है वो नेपाल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी को इस बिजली को 7.3 रुपए पर यूनिट बेचेगी और इस प्रोजेक्ट पर टोटल इन्वेस्टमेंट है करीबन 900 मिलियन का। अगर दिसंबर से फरवरी तक बात करें तो ड्राई मौसम रहता है विंटर का, जहां पर नेपाल बिजली नहीं जनरेट कर पाता है क्योंकि वहां पर पानी में कमी होती है क्योंकि बर्फ जमी होती है जिसके कारण पानी रिवर्स में नहीं होता है और पानी कम हो जाता है। लेकिन जब बर्फ पिघलती है उसके बाद पानी आना शुरू होता है और नेपाल के हाइड्रो पावर प्लांट पूरे टाइम तक चलते हैं। और आपको बता दूं कि नेपाल के प्रोविंस 2 में कई और सोलर पावर प्रोजेक्ट पर यही कंपनी काम करने वाली है जो कि करीबन 5 और जगह है, जिसके बाद नेपाल के पास कितनी ज्यादा पावर होगी आप सोच भी नहीं सकते। और नेपाल के पास ये सभी पावर एक इको फ्रेंडली तरीके से होगी जो कि बहुत बड़ी बात है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश अपने आप को सोलर पावर हाइड्रो पावर पर ले जाना चाहते हैं जिसमें बिजली पर नेपाल ने देर से ही काम शुरू किया था, लेकिन नेपाल अब एक पुख्ता काम कर रहा है क्योंकि नेपाल एक इको फ्रेंडली तरीके से ही अपना काम कर रहा है जिसके चलते आने वाले सालों में नेपाल के पास अच्छा वातावरण भी होगा और बिजली के अच्छे सोर्सेस भी होंगे। नेपाल कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है हाइड्रो पावर में इस रीजन में क्योंकि नेपाल काफी ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। और आपको बता दें कि 21 सोलर पावर प्लांट्स को और लगाया जाएगा जिसकी टोटल कैपेसिटी होगी करीबन 317 मेगावाट जो कि करीबन 70% होगा टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 56 सोलर पावर प्लांट जो कि नेपाल अब आगे काम करने वाला है क्योंकि नेपाल को करीबन 200 मेगावाट की बिजली चाहिए सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए ड्राई सीजन में जो कि है दिसंबर से लेकर फरवरी तक, जिससे नेपाल को बिजली बाहर से खरीदनी नहीं पड़ेगी इंडिया से और कई और देशों से। तो ये थी नेपाल की पावर प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी को लेकर। तो अगली रिपोर्ट है नेपाल और भारत पर बिजली बेचने को लेकर, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में ही नेपाल सरप्लस यानी कि ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करने वाला है इसी साल से जैसा कि आकलन है। तो इसको लेकर नेपाल कहीं ना कहीं भारत को पावर बेचने पर भी नजर रखे है और कई और नेबरिंग कंट्रीज को बिजली बेचने पर जोर दे रहा है। इसी बीच एक एग्रीमेंट की खबर आई है जो कि है प्रोसीजर ऑफ अप्रूवल ऑफ फैसिलिटेशन ऑफ पावर ट्रेड यानी कि पावर बेचने पर आसानी। तो इसको लेकर नेपाल और इंडिया के बीच में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है बिजली का उसको लेकर एक प्रोसेस तय किया है, किस तरह की पावर्स को नेपाल बेच सकता है इंडिया को और किस तरह की नहीं, इस पर जोर दिया गया है। इस पर जो कि इसका पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट था उसको जब मैंने पढ़ा कि इस प्रोसेस में एक क्लॉज को रखा गया जो कि है क्लॉज 6.8, तो उसमें प्रोसेस यह है कि इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कंपनी से ही जो कि लाइसेंस जिसको दिया गया होगा उसी से बिजली खरीदेगा या फिर बेचेगा, साथ ही इंडिया किसी प्राइवेट प्लेयर से बिजली खरीदेगा या बेचेगा नहीं। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाला स्टेटमेंट है वो ये है कि इंडिया कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट से पावर नहीं लेगा या नहीं खरीदेगा जिसमें कोई तीसरे देश का हस्तक्षेप होगा, यानी कि अगर वो बायलेटरल एग्रीमेंट नेपाल और इंडिया के बीच में होगा तो उसमें कोई तीसरे देश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि चाइनीज प्रोजेक्ट पर इससे सीधे सीधे उंगलियां उठाई जा रही हैं और इसको चाइनीज प्रोजेक्ट से देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया अब चाइनीज प्रोजेक्ट से बिजली नहीं खरीदेगा नेपाल के, क्योंकि वो बायलेटरल रिलेशन में बोलता है कि नहीं आएगा। कुछ लोग इसे गलत भी मानते हैं, कुछ लोग इसे सही भी मानते हैं, क्योंकि हर कंट्री अपने हितों को देखती है और अपनी काउंटरिंग कंट्री को किसी तरह पछाड़ने की कोशिश करती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अगर नेपाल को बिजली बेचनी है भारत को तो इंडियन कंपनी से प्रोजेक्ट जो किए हैं वो जल्दी अप्रूव हो जाएंगे वो ऐसा लगता है, और चाइनीज कंपनी के जिसमें ज्यादा शेयर होल्डिंग होगी वो प्रोजेक्ट से बिजली इंडिया नहीं खरीदेगा। लेकिन आपको बता दें कि 2018 तक ऐसा कोई क्लॉज नहीं था, लेकिन अब ये क्लॉज आ चुका है। लेकिन इसको ऐसा भी समझा जा सकता है कि जो चाइना का प्रोजेक्ट है उससे नेपाल जो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है वो नेपाल खुद यूज कर ले और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट हैं और या फिर जो इंडियन बेस्ड प्रोजेक्ट हैं उनकी बिजली इंडिया को वापस बेच दे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से आसान भी हो सकता है, इसमें बहुत ज्यादा मुसीबतें नहीं है। लेकिन जो ये पावर ट्रेड का एग्रीमेंट है ये कहीं ना कहीं पावर को बेचने में आसानी तो क्रिएट करेगा नेपाल और इंडिया के बीच में, जिसमें नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और नेपाल की गवर्नमेंट मिलकर ही बिजली बेच सकती है भारत को। इनके साथ ही एग्रीमेंट और डीलिंग इंडियन गवर्नमेंट करेगी क्योंकि नेपाल के पास मानसून तक बहुत ज्यादा बिजली आ जाएगी और अपर तपाकोशी हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है जिसमें 456 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन नेपाल करेगा जो कि नेपाल के पास और ज्यादा सरप्लस बिजली होगी। तो कहीं ना कहीं नेपाल बिजली को बेचने पर ज्यादा जोर दे रहा है। तो अब बात करते हैं नेपाल के एक और प्रोजेक्ट की जो कि है मेलम्ची वाटर प्रोजेक्ट,
जिसके तहत मेलमची रिवर का पानी जो कि सिंधुपाल चौक डिस्ट्रिक्ट से काठमांडू तक लाया गया है। इसके तहत करीबन 26.3 किलोमीटर के टनल को बनाया गया जिसमें पानी को नीचे नीचे लाया गया है। अभी इस पानी को कहीं ना कहीं काठमांडू में पानी की जो त्रासदी हो रही थी उसको पूरा करने के लिए लाया गया है। अब इससे काठमांडू में पीने के पानी और कई और कामों के लिए पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी टनल है और इतनी बड़ी टनल खोद कर किसी ने पानी नहीं लाया इस रीजन में अभी तक, जो कहीं ना कहीं नेपाल की पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाला है पानी की कमी को लेकर, जो कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आपको बता दें कि इस पानी को तुरंत लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता है, यानी कि जो पानी आ रहा है टनल से उसको एक क्लीनिंग प्रोसेस में डाला जाता है, उस पानी को क्लीन किया जाता है, साफ पानी आप तक पहुंचाया जाता है और इसकी टेस्टिंग को करीबन 2 महीने तक किया जाएगा कि पानी ठीक से आ रहा है कि नहीं, और उसके बाद ही इसको वाटर ट्रीटमेंट में डाला जाएगा, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट में डालने के बाद पानी लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जिसको लेकर 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी तैयार किए गए हैं जिसकी कैपेसिटी करीबन 85 मिलियन लीटर की है, जिसमें पानी को स्टोर किया जाएगा और उस पानी को ट्रीट किया जाएगा, यानी कि उसको सही किया जाएगा, उसमें से गंदगी वायरस बैक्टीरिया जो भी है उन चीज़ों को निकाला जाएगा, फिर उसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जिसके तहत लोगों को पाइपलाइंस के थ्रू पानी मिलेगा काठमांडू में। गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कहना है करीबन 2 महीने और लगेंगे लोगों तक इस पानी को पहुंचाने में। आपको बता दें कि नेपाल के लिए एक नेशनल प्राइड प्रोजेक्ट है जो करीबन 170 मिलियन लीटर ऑफ पानी डेली मेची रिवर से सिंधुपाल चौक डिस्ट्रिक्ट से लेकर आएगा। तो ये थी नेपाल की कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। A few moments later. Okay, तो गाइस वीडियो अभी का एंड हो गया है, तो हम पहले चलते हैं राशिद भाई के पास। राशिद भाई, कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो अच्छी थी और जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, हर मुल्क चाहता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाए, वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, तो इतना आसान प्रोजेक्ट्स नहीं है ये, इनके ऊपर टाइम लगता है, पैसा लगता है, और एक प्रोजेक्ट पे लंबा जो चलता है उसको पैसा लगाना आसान नहीं होता। मुझे छोटे मुल्क होते हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, इनके ऊपर लगाना मुश्किल है, और नेपाल ने बहादुरी के साथ इनको लगाया। सनलाइट का प्रोजेक्ट हो गया, हाइड्रो पावर और सोलर जो है, और बात यह है कि अच्छा उसके ऊपर कर रहा है कि इसके ऊपर सोलर पे जैसे जा रहा है, मतलब इसका एक फ्यूचर है और ये सस्ती पड़ती है, बिल्कुल, और वो एक्सपोर्ट जैसे इंडिया को फिर साथ कर रहा है, एक्सपोर्ट करके काफ़ी पैसे कमा सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हर मुल्क का वो है कि जितना ज़्यादा हो सकता है एक्सपोर्ट करे वो, तो फिर वो जो है उसमें बीच में थोड़ा सा वो है कि उसमें एक्सपोर्ट ना हो, जैसे चाइना का बीच में वो है सीन कंपनी, पर वो भी उन्होंने बताया है कि वो चाइनीज जो एनर्जी होगी वो खुद यूज करेगी, ना इन्वेस्टमेंट होगी, जो इंडिया ने इन्वेस्ट किया वो वापस इंडिया को सेल कर सकते हैं वो, बिल्कुल। और लास्ट वाला कौन सा था? वो लास्ट पानी का, पानी तो दुनिया में मसला बनता जा रहा है कि पीने साफ पानी बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और उन्होंने इतना बड़ा 26.5 किलोमीटर का जो है टनल है उन्होंने खोदा, फिर उसको जो है ना साफ करें, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें बहुत पैसा लगेगा, और नेपाल इसके ऊपर लगा रहा है और लग रहा है कि नेपाल इन प्रोजेक्ट्स को जो है ना बूस्ट करेगा। गाइस ये था हमारे राशिद भाई का रिव्यू। तो गाइस वीडियो अच्छी थी, चारों प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त थे। नोटिस मैंने किया है कि नेपाल जो है इस दफ़ा अपने पावर प्रोजेक्ट्स पे, डैम्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, और मे बी कोई होगा, कोई वजह होगी, और वो फुल इस सेक्टर में घुसा हुआ है, और जैसे आपने देखा कि वीडियो में सोलर भी है और हाइड्रो पावर भी है। उसकी वजह यह है कि एनर्जी के फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लग रही है हर वक्त में, और एनर्जी की बहुत जरूरत है, ये बेहतरीन है कि इंडिया साथ उसका हमसाया जो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बिल्कुल, तो उसको एक्सपोर्ट कर सकता है, बहुत बड़ा ऑप्शन है उसके पास, एक्सपोर्ट करने इंडिया को, बिल्कुल ऐसा है। तो वीडियो जबरदस्त थी, अच्छी लगी, तो उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए मिलती है इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।